हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड पे। फ्रेंड्स, स्टॉक में आपको 2-3 दिन से गिरावट देखने को मिले, रीजंस क्या है और क्या कुछ इसके स्पोर्ट और टारगेट रहने वाले, डिटेल से समझेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, ताकि जब भी मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यहाँ पे अभी बात करते हैं कि भाई कैसा मोमेंट आपको देखने को मिलेगा। जब इसका ब्रेकआउट किया था तो मैंने आपको टारगेट दिया था कि भाई यहाँ तक के लेवल हमें अचीव हो जाएंगे, लेकिन जब इसने इसका भी ब्रेकआउट किया तो जितना मैंने बताया था कि ये गैप है, इतना ही अपसाइड भी आपको जाता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पे आप एक रेजिस्टेंस देख सकते हो 508 का, ये 508 से ऊपर भी गया है, लेकिन ये हमारा रेजिस्टेंस था, या आप ये कह सकते हो ये हमने एक टारगेट यहाँ पे सेट किया था, और वहीं से आपको करेक्शन भी देखने को मिल रही है। तो पहली बात तो पहले है प्रॉफिट बुकिंग, सेकंड ये कि भाई अभी मार्केट में आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है 4 जून की वजह से। भाई कल संडे है, परसों मंडे, पता ही चल जाएगा मंडे के बाद तो कि भाई क्या कुछ रिजल्ट आए, ये कौन सी गवर्नमेंट आएगी, तो उस वजह से प्रेशर जो बना हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा। और मार्केट में भाई मूव, अगर गवर्नमेंट यही आई तो पॉजिटिव माहौल आपको देखने को मिला है मिलेगा, और नहीं तो नेगेटिव। क्योंकि देखो, जो हम ये जो कह रही हूँ ना कि पॉजिटिव माहौल देखने को मिलेगा, कहते हैं ना हिस्ट्री गवाह है, तो भाई पहले हिस्ट्री में ऐसा ही हुआ है, इसी बेस पे हम कह रहे हैं। तो यहाँ पे एक अब रेजिस्टेंस की बात करें एक्साइड इंडिया में 508 का है, अगर कन्फर्मेशन मिलती है इसके ब्रेकआउट की तो फिर जितना ये गैप है उतना ही अपसाइड आपको जाता हुआ नज़र आ सकता है। 100 पॉइंट के करीब करीब का ये गैप है, 90 से 100 का गैप है ये, और वहाँ तक ये जाता हुआ नज़र आएगा। जब ब्रेकआउट का कन्फर्मेशन मिलेगी उस टाइम पे मैं आपको अपडेट कर दूँगी टारगेट। अब अगर भाई गिरावट हमें देखने को मिल रही है, कहाँ तक ये गिरावट पॉसिबल है ये हम समझते हैं। पहला एक स्पोर्ट है जो कि है भाई यहाँ पे 475 का, अगर इसका ब्रेकडाउन कर देता है तो फिर ये 435 तक आता हुआ नज़र आ सकता है। फिर ये एक रेक्टेंगल फॉर्म में है फिलहाल, अगर नीचे का ब्रेकडाउन करता है तो फिर ये लेवल 362 तक ये जरूर जाएगा, अगर 435 का ब्रेकडाउन करके और कैंडल इसके नीचे ही क्लोज कर देता है तो। अगर ऊपर के लेवल भी बता दिए हैं, नीचे के बता दिए हैं, और अब वेट है सिर्फ भाई ये 4 जून का कि कौन सी गवर्नमेंट आएगी। ठीक है, आप भी कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है कौन सी गवर्नमेंट आएगी और क्या कुछ स्टॉक में आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। मेरे अकॉर्डिंग तो अभी थोड़ा सा प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है, और बाकी गवर्नमेंट आते ही आपको भी पता चल जाएगा कि कैसा प्रेशर, वो सॉरी प्रेशर कह रही हूँ, कैसा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। और मैं बता दूँ, इस वीडियो का मोटिव ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज है, इन्वेस्टमेंट से पहले खुद की एनालाइज जरूर कर लेना और अपने सलाहकार से सलाह लेके ही इन्वेस्टमेंट करना।